मेरे पास बहुत सारे सिंगर्स वॉइस ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जिसमें बहुत सिंगर्स का ऐसा प्रॉब्लम है रेंज का, मतलब रेंज कम है हायर ऑक्टेव में, रेंज क्यों नहीं आते हैं। कभी कभी अच्छा रेंज में गाता था पहले, मगर अचानक रेंज कम हो गया। रेंज में कमी मतलब वॉइस में स्ट्रेन आते हैं, तो स्ट्रेन का क्या कारण क्या होता है? वॉइस का स्ट्रेन के कारण से ही रेंज में प्रॉब्लम आते हैं। ख़ास तौर पे आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी परेशानी आते हैं तो पूरा आपका गाने पर उसका असर हो जाता है। वोकल लोडिंग का मतलब क्या है? ओवर फोर्स ऑन योर वॉइस। वॉइस में एक्सेस फोर्स लगाने से आपका वॉइस स्ट्रेनियस हो जाते हैं। एक्सेस फोर्स कैसे आते हैं? जब आप चिल्ला के बात करेंगे, नहीं तो एक्स्ट्रा फोर्स लगा के आप गाना गाएंगे, बहुत देर तक गाना गाएंगे, नहीं तो आपका जो पिच के अलावा दूसरा इम्प्रॉपर पिच में गा के चेक करते हैं, बहुत देर तक रियाज करते हैं और ग्रुप में गा के आप वैसा एक्टिविटीज़ करते हैं। इस तरह का पूरा वॉइस यूसेजेस आपके लिए खराब साबित हो सकते हैं, इसलिए आपको चेक करना चाहिए आपका सही पिच क्या है। और अगर आप डी में गाते हैं तो डी में आपका कहाँ तक आवाज़ आराम से जाते हैं और सी शार्प में कहाँ तक जाते हैं, आपके लिए एक पिच निश्चय करना पड़ेगा। हम जब बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ चेस्ट रजिस्टर, बात करने के लिए चेस्ट रजिस्टर यूज़ करते हैं, गाना गाने के लिए भी कुछ लोग चेस्ट रजिस्टर में गाना गाते हैं। हमको चेस्ट रजिस्टर एवं हेड वॉइस, हेड रजिस्टर, इसके दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, चेस्ट वॉइस एंड हेड वॉइस। ये क्या है चेस्ट वॉइस एंड हेड वॉइस? जब आप पावरफुल वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, सा नि सा रे गा गा, दिस इज़ दी चेस्ट वॉइस, तो आप अगर उसी वॉइस में ऊपर तक आप गाना गाएंगे तो आपके लिए परेशानी आ सकता है, तो आपको बीच बीच में हेड वॉइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ने स रे ग मामा ग म पा, नाउ इट इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, द पावर इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, मतलब चेस्ट वॉइस का असर थोड़ा कम हो गया। रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे ग म ध ग म प ध नि स रे, नाउ अगेन आई रिड्यूस्ड द फोर्स ऑन द वॉइस। ऐसा फोर्स कम करके 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 आपके लिए रियाज करना पड़ेगा और गाने में इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप गांधार तक गाते हैं और मध्यम गाने के लिए आप वही फोर्स यूज़ करते हैं तो आपके लिए परेशानी आएगा, स्ट्रेन आएगा वॉइस में। इस स्ट्रेन के कारण आपका मध्यम के ऊपर आवाज़ फट जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा हेड वॉइस यूज़ करके उसको तरीके से फ्लेक्सिबल एक मिक्स्ड वॉइस बनाएंगे तो आपको आराम से गांधार मध्यम पंचम तक आवाज़ पहुंच जा सकते हैं। दूसरी एक बड़ी बात है, दैट इज़ एसिड रिफ्लेक्स, एसिडिटी। अगर आपका स्टमक में एसिडिटी का इश्यूज हैं, एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, तब भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स का मेन कारण आपका फूड है। अगर आप इम्प्रॉपर टाइम में फूड खाते हैं, कभी कभी आप खाना नहीं खाते हैं, पेट को खाली रखते हैं, नहीं तो रात में बहुत देर के बाद आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं, इसी तरीके का खाने की संबंधी जो भी आपके लिए बैड हैबिट्स हैं, आपका पेट का बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस फूड के साथ मिक्स होके एक तरह का गार्बेज बन जाते हैं, उससे एसिड निकलता है। ये जो एसिड हैं आपका एसोफेगस, एसोफेगस मीन्स आपका फूड पाइप, वो फूड पाइप में वापस जाते हैं। उस समय आपको चेस्ट बर्न का फील होगा,
आपका वॉइस रफ़ हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन होगा, वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग होगा, ये सब कारण से भी आपका प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रेंज में। रेंज प्रैक्टिस करने के पहले आपका वॉइस अच्छे से वार्म अप करना है और लोअर ऑक्टेव से चालू करके देन मध्य सप्तक में और तार सप्तक में आपको आपके वॉइस को फ्लेक्सिबल बनाना है, वॉइस को स्ट्रेच करना है। उसके लिए तरीके से आपको एक्सरसाइज का रियाज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, सरे 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 गमा सरे गमा प ध नि सा सनी 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 धप सनी धप मगरे सा, उसको बहुत बार गाना है और आकार में, हमिंग में और दूसरे वोवल्स में। उसके बाद फिर रे ग रे ग रे ग म प रे ग म प ध नि स रे रे स रे स रे स नि ध रे स नि ध प म ग रे, री से लेके री तक हो गया। उसके बाद फिर गा से लेके गा तक ग म ग म ग म प ध ग म प ध नि स रे ग ग रे ग रे ग रे स नि ग रे स नि ध प म ग। उसके बाद फिर मा मा प मा प मा प ध नि मा प ध नि स रे ग म म ग म ग म ग रि सा म ग रि सा नि ध प म पद 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 नि सा पद नि सा रि ग म प प म प म प म ग रि प म ग रि सा नि ध प। इतना रियाज करने से आपका वॉइस स्ट्रेच हो जाएगा पंचम तक। इसी प्रकार आप रियाज करेंगे तो आपका एक वोकल हैबिट हो जाएगा, इसी आवाज का एक यूसेज हो जाएगा, योर प्रॉब्लम विल बी ओवर। धन्यवाद।